हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पर्सनल कोच दिव्यम हियर और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ फेस इन द डार्क रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इसका इंग्लिश वर्जन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यूट्यूब में इस स्टोरी का टाइटल डालिए और उसके बाद लिखिए एक्सप्लेनेशन, तो आपको मेरा चैनल दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वो इंग्लिश वर्जन है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये शॉर्ट स्टोरी हिंदी में पढ़ाऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊं विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन। एज यू ऑलरेडी नो, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी है, यानी कि जितने भी इवेंट्स, जितने भी लोग, जितनी भी घटनाएं घटती है वो सब काल्पनिक है, अवास्तविक है, इम्प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में नहीं हो सकती। और इस स्टोरी में ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो मेन सब्जेक्ट या तो फिर मेन कैरेक्टर है वो डर जाए, जो इस स्टोरी को पढ़ रहा है वो भी डर जाए, इसीलिए इसको एक हॉरर स्टोरी कहा गया है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत मिस्टर ओलिवर से होती है, जो एक एंग्लो इंडियन टीचर है और वो घर वापस आ रहे हैं स्कूल से। ऑलरेडी रात हो चुकी है, ऑलरेडी लेट हो चुका है उनको, और एंग्लो इंडियन का मीनिंग मेरे स्क्रीन पर लिखा गया है वाइट इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिकन। और वो जहाँ से आ रहे हैं वो आउटस्कर्ट्स हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटस्कर्ट्स? किसी भी टाउन या विलेज या सिटी का आउटस्कर्ट्स वो एरिया होता है जो मेन सिटी से बहुत दूर हो। और हम किस सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शिमला की। शिमला आप सबको पता होगा। शिमला के आउटस्कर्ट्स में कहीं पर एक स्कूल है जहाँ पे मिस्टर ओलिवर एक टीचर है और वो स्कूल से वापस आ रहे हैं फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अब आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हो, आउटस्कर्ट्स हैं यानी कि देर आर नॉट मैनी पीपल, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते। वहाँ पे फॉरेस्ट हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उतनी चहल पहल, उतना फ्रेंडली एटमोसफियर नहीं होता जितना एक सिटी में होता है। तो ऐसे ही एरिया से मिस्टर ओलिवर वापस आ रहे होते हैं। किपलिंग के टाइम से पहले। अब हु वॉज किपलिंग? किपलिंग एक ब्रिटिश स्टोरी राइटर थे, एक नॉवेलिस्ट थे और एक पोएट थे जिनका जन्म इंडिया में हुआ था। किपलिंग के टाइम से पहले ये स्कूल बना हुआ था, ये एक पब्लिक स्कूल था, यानी कि कीपिंग इन माइंड द कंफर्ट ऑफ द पीपल, कंसर्निंग द पीपल एज अ होल। किपलिंग के टाइम से पहले ये पब्लिक स्कूल एग्जिस्टेंस में था और उसमें जो लड़के थे वो यूजुअली अमीर और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका एक मैंडेट था, स्कूल में एक रूल था कि बॉयज़ जब स्कूल में दाखिल होंगे तो उनको ब्लेजर्स, कैप्स और टाइज पहनना ज़रूरी होगा। दैट वॉज़ अ मैंडेट, इट वॉज़ अ रूल। आपके स्कूल्स में भी यूनिफॉर्म होगा। सिमिलरली मिस्टर ओलिवर के स्कूल में भी ये रूल था। उस ज़माने में एक मैगज़ीन आता था जिसका नाम है लाइफ। लाइफ मैगज़ीन में इंडिया के बारे में लिखा गया था और जब मिस्टर ओलिवर के स्कूल के बारे में लिखा गया था तो द मैगज़ीन कॉल्ड द स्कूल एज ईटन ऑफ द ईस्ट। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज़ ईटन और ईटन ऑफ द ईस्ट क्यों? ये उस स्कूल की तारीफ की गई है जिसमें मिस्टर ओलिवर पढ़ाते हैं। ईटन जो है एक बॉयज़ प्राइवेट स्कूल है जो कि इंग्लैंड में है। तो सिमिलरली मिस्टर ओलिवर का जो स्कूल था वो भी उतना ही अच्छा, उतना ही फेमस था। मिस्टर ओलिवर बहुत ही पुराने एम्प्लॉय थे, बहुत सालों से इस स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल से नियरली 3 miles के डिस्टेंस पर, व्हाट इज 3 miles? नियरली 4.8 kilometers, यानी कि वी कैन से 5 kilometers। 5 किलोमीटर की दूरी पर बाज़ार थी, बाज़ार के अंदर सिनेमाज थे, रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, चहल पहल थी,
काफ़ी लोग थे और एटमोसफियर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। मिस्टर ओलिवर एक बैचलर थे, इसका मतलब ये है कि उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास बहुत टाइम था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी और वो अच्छे से अपना काम करके वापस आते थे आराम से, इत्मीनान से। और अंधेरा हो चुका था, उनको पता था उस दिन कि अंधेरा हो चुका है और उनको ओरिजिनल रूट से नहीं जाना चाहिए, उनको शॉर्टकट लेना चाहिए, क्योंकि और अंधेरा हो जाएगा तो शायद मुसीबत हो सकती है, शायद कोई ना कोई डेंजर्स आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शॉर्टकट लूँ, और वो ऐसा ही करते थे। जब ज़्यादा अंधेरा होने वाला होता था तो वो शॉर्टकट लेते थे। शॉर्टकट जो था उसमें बहुत सारे पाइन ट्रीज मौजूद थे। आपने पाइन ट्रीज देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो मेरे स्क्रीन पर देखिए, पाइन ट्रीज कुछ इस तरीके से होते हैं। और स्टोरी का कंटेक्स्ट और स्टोरी में जो लाइन लिखी गई है वो एग्जैक्टली इस पिक्चर को रिजेंबल करती है। आप इस पिक्चर को इमेजिन कर सकते हो, वही शॉर्टकट जो मिस्टर ओलिवर ने उस दिन लिया था, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही शॉर्टकट था उस दिन जब मिस्टर ओलिवर वापस आ रहे थे स्कूल से, लेट हो चुके थे और अंधेरा हो चुका था। होता ये था कि क्योंकि पाइन ट्रीज लंबे होते हैं, दे आर टॉल, तो जब हवाएं बहती थी, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती थी, तो हवा पेड़ से टकराती थी और देयर वाज अ वियर्ड साउंड, एक अजीब सी आवाज़ क्रिएट होती थी। इसलिए लिखा है पाइन ट्रीज मेड अ सैड ईयर साउंड्स दैट केप्ट मोस्ट पीपल टू द मेन रोड, यानी कि लोग इस आवाज़ से घबराते थे, डरते थे, और लोगों को लगता था कि यहाँ जाना शायद खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसीलिए लोग उस शॉर्टकट पर नहीं जाते थे जब अंधेरा होता था। लेकिन मिस्टर ओलिवर की बात कुछ अलग है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, वो बहुत ही रियलिस्टिक इंसान है, प्रैक्टिकल इंसान है, वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना पसंद नहीं करते, ना ही वो कुछ मेरेकल्स में मानते हैं। क्योंकि अंधेरा होता था इवनिंग में, तो वो क्या करते थे, अपने पास एक टॉर्च रखते थे। अनफॉर्चुनेटली उस दिन टॉर्च की बैटरीज धीरे धीरे बंद होने लगी थी और अब वो फ्लिकर होने लगी थी, यानी कि बैटरीज की लाइट्स ऑन होती थी, थोड़ी देर के बाद ऑफ होती थी, वापस ऑन होती थी, वापस ऑफ होती थी। इसलिए मिस्टर ओलिवर थोड़े से चिंतित थे और डिस्टर्ब हो चुके थे, उनको ये चिंता थी कि विदाउट लाइट्स उनको रास्ता कैसे दिखेगा, और रास्ता अगर नहीं दिखेगा तो वो शायद भटक सकते हैं और शायद सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो फ्लिकरिंग लाइट थी वो शॉर्टकट में जो पत्थर थे, जो ट्रीज थे, उसके ऊपर पड़ती थी। लेकिन मिस्टर ओलिवर ने देखा कि अब ये फ्लिकरिंग लाइट एक अजीब से फिगर के ऊपर पड़ रही थी। वो फिगर ऐसा लग रहा था कि एक लड़के का है, इट लुक्ड लाइक अ बॉयज फिगर, जो अकेले बैठा था एक पत्थर के ऊपर। मिस्टर ओलिवर शॉक हो गए और वहीं पे रुक गए। मिस्टर ओलिवर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस अंधेरे में, इतनी शांति में, जब अजीब सी आवाज़ें चल रही है उस पाइन फॉरेस्ट में, तो कैसे एक लड़का वहाँ पे बैठ सकता है। और मिस्टर ओलिवर ने स्कूल के रूल्स सोचे और फिर उन्होंने ये भी रिकॉल किया कि लड़कों को एक फिक्स समय के बाद, अंधेरा होने के बाद, स्कूल से बाहर जाना अलाउड नहीं था। इसलिए उन्होंने तुरंत उस लड़के को पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर ओलिवर ने गुस्से में उस लड़के को पूछा और नज़दीक चले गए ताकि वो उस लड़के को पहचान सके, उसकी शक्ल देख सके, उसका आईडी देख सके और उसकी कंप्लेन कर सके। वो नज़दीक जा ही रहे थे तब उनको एक अजीब सी वाइब्स महसूस हुई, उनको कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई, उनको
मन ही मन लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो लड़का देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है, सिसकियाँ भर रहा है। ऑब्वियसली हम किसी को देखते हैं, दूर से ही पता चलता है कि इंसान रो रहा है या हंस रहा है या किस मूड में है। तो मिस्टर ऑलिवर ने दूर से देखा कि वो लड़का रो रहा है। उसकी जो मुंडी थी, उसका हेड था, इट वॉज हंग डाउन, वो नीचे की ओर देख रहा था। और जब हम रोते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों को अपने चेहरे पर ले लेते हैं और फिर रोते हैं। तो सिमिलरली इस लड़के का भी कुछ ऐसा ही हाल था, उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए थे और जेस्चर्स से लग रहा था कि वो रो रहा है। और उसका शरीर कुछ वायलेंट, कुछ खूंखार मूवमेंट्स कर रहा है, कुछ डरावनी मूवमेंट्स कर रहा है, लेकिन मिस्टर ऑलिवर को ये क्लियरली दिख रहा था कि वो लड़का रो रहा है। और बहुत ही अजीब था, क्योंकि जब हम रोते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती है हमारे मुंह से, हमारी नाक से, लेकिन इस लड़के को जब देखा, जब सुना मिस्टर ऑलिवर ने, तो किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मिस्टर ऑलिवर, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान थे, जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद नहीं करते थे, वो देख रहे थे कि एक अजीब सी फीलिंग, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग उनको महसूस हो रही थी। क्योंकि कैसे इतने अंधेरे में कोई लड़का अकेले बैठ सकता है इतनी शांति में? और दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये था कि वो रो क्यों रहा है, अगर वो रो रहा है तो आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। मिस्टर ऑलिवर ने तुरंत पूछा, वो इरिटेट हो चुके थे, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और उन्होंने पूछा, बात क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? लड़के ने जवाब नहीं दिया, उस लड़के ने मिस्टर ऑलिवर के सामने तक नहीं देखा। उसका जो शरीर है, उसको देख के लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा दुख में है, और वो धीरे धीरे रो रहा है, आवाज़ें नहीं निकाल रहा। मिस्टर ऑलिवर को जवाब ना मिलने पर और भी फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, स्कूल के रूल्स के हिसाब से तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे सामने देखो, मेरी तरफ देखो। लड़के ने मिस्टर ऑलिवर के सामने देखा, उसने अभी तक हाथ नहीं हटाए थे, लेकिन पहले लड़के ने सामने देखा और फिर उस लड़के ने अपने हाथ हटाए और मिस्टर ऑलिवर के सामने देखा। मिस्टर ऑलिवर को पहचानना था, उसकी आइडेंटिटी चाहिए थी कि ये कौन सा लड़का है, कौन से क्लास में पढ़ता है, उसका आईडी या नाम क्या है। तो इसीलिए मिस्टर ऑलिवर ने उनकी टॉर्च उस लड़के के चेहरे पर फेंकी और टॉर्च की लाइट, जो कि ऑलरेडी फ्लिकर कर रही थी, टॉर्च की लाइट पड़ने पर उनको एक स्ट्रेंज फेस दिखा। इसी लिखा है, इफ यू कुड कॉल इट अ फेस। लड़के के चेहरे पर न आंखें थी, न कान थे, न नाक था और ना ही मुंह था, एक स्मूथ हेड था और सिर्फ उसके ऊपर स्कूल का कैप पहना हुआ था। और मिस्टर ऑलिवर ने ये एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसे देख के लग रहा था कि शायद ये एक असली भूत है, शायद ये एक घोस्ट है, शायद ये एक स्पिरिट है। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जानी चाहिए, शायद मिस्टर ऑलिवर को बेहोश हो जाना चाहिए, शायद उस भूत को, मिस्टर ऑलिवर का बदला ले लेना चाहिए, स्टोरी का एंड हो जाना चाहिए। नहीं, मिस्टर ऑलिवर ऐसे इंसान नहीं थे जो बेहोश हो जाए, जो हार जाए। उन्होंने तय किया कि कुछ तो करना चाहिए। वो ऑलरेडी शिवर कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग थे। शिवर करते करते जो टॉर्च उन्होंने पकड़ी हुई थी वो उनके हाथ से गिर गई और वो मुड़कर, पलटकर भागने लगे पेड़ों के बीच, ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे, और चिल्लाने लगे, ही वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, ही वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प।
और बेस्ट अप्रोच क्या था? क्या वो सिटी की ओर भागना था? नहीं, वो वापस स्कूल की ओर भागने लगे क्योंकि स्कूल अभी नज़दीक था। उनके पास टॉर्च नहीं था, अंधेरा हो चुका था और वो भाग रहे थे। उनको दिख नहीं रहा था लेकिन पेड़ों के बीच कैसे तो वो मैनेज करके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक लैंटर्न लटक रहा है और लैंटर्न हवा की वजह से स्विंग कर रहा है। और मिस्टर ऑलिवर ने देखा कि लैंटर्न की रोशनी एक ऐसे इंसान पे पड़ रही थी जिसका यूनिफॉर्म एक वॉचमैन का था। तो मिस्टर ऑलिवर को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और उन्होंने फिर भी भागकर लैंटर्न तक गए और वो जो फिगर खड़ा था, जो लग रहा था कि एक वॉचमैन है, उसको पूछा कि वॉचमैन, आई नीड योर हेल्प। वॉचमैन ने कहा कि क्या बात है साहब, आप इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, इतने चिंतित क्यों हो, बात क्या है, आप भाग क्यों रहे हो, आपकी सांसें क्यों फूल रही है। मिस्टर ऑलिवर कहता है कि मैंने एक बहुत ही डरावनी चीज़ देखी है, एक लड़का वहाँ पे रो रहा है और उसका चेहरा है ही नहीं, इट इज़ अ स्मूथ राउंड स्किन। जब वो रो रहा है तो आवाज़ तक नहीं आ रही। जो वॉचमैन जैसा फिगर था वो पूछता है, नो फेस, क्या सच में उसका चेहरा नहीं था साहब? मिस्टर ऑलिवर कहता है, नहीं, न आँखें हैं उसकी, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। वॉचमैन उसकी लैंटर्न खुद के चेहरे पर ले जाता है और पूछता है, क्या उस लड़के का चेहरा मेरे जैसा था? वॉचमैन की भी आंखें नहीं थी, नाक नहीं था, मुंह नहीं था, कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं थे, आईब्रोज भी नहीं थी। और उसी वक्त एक हवा का झोंका आता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड करंट आता है और लैंटर्न का जो लैम्प है वो उसकी वजह से बंद हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये हमें डिसाइड करना है कि मिस्टर ऑलिवर का इसके बाद क्या हुआ होगा। क्या वॉचमैन ने एज अ घोस्ट मिस्टर ऑलिवर को मार डाला होगा? क्या मिस्टर ऑलिवर वहाँ से भी भाग गए होंगे? क्या मिस्टर ऑलिवर ने कोई और तरीका निकाला होगा? दिस इज़ ऑल अप टू अस। बट एक बात तय है कि जो भी फिगर्स उस फॉरेस्ट में दिखे वो भूत थे और मिस्टर ऑलिवर जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे वो भी इनसे डर के भाग गए थे। फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं कुछ ही मिनट्स में आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे।